घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। अब हम चर्चा करते हैं इसके कुछ गीत और गज़लों पर जो कि इसी में बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भैरव जो है बड़ी ही गंभीर प्रकृति का राग है, तो गीत उसमें नहीं बनते हैं, है ना, हम नहीं बनाते हैं गीत। लेकिन हाँ, भजन हम ज़रूर बनाते हैं। शिव के भजन अगर हम बनाना चाहें तो भैरव में बना सकते हैं, क्योंकि भैरव जो है शिव का एक रूप है, है ना, उनका एक अवतार है। हमारी अगर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो भैरव का शिव से बड़ा लेना देना है। और तो उसके उनके जो भजन हैं, उनके जो गीत हैं, वो हम बना सकते हैं इसमें। बाकी अगर हम मैम गीतों पे बात करें तो एक जो गीत है, जो जैसा कि मैंने जागो मोहन प्यारे आपको ख्याल सुनाया, वही ख्याल किसी फिल्म में भी यूज़ हुआ है और गीत स्वरूप में उसको गाया गया है। जागो मोहन प्यारे जागो, है ना, तो इनको आप सुनिए। तो इनके जो गीत हैं, गज़लें हैं, उनको आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, ठीक है। और भी अगर मैं आपको बताऊं जो भैरव से मिलते जुलते हैं, एग्जैक्ट भैरव नहीं होगा पर कहीं ना कहीं उनमें मिश्रण होगा क्योंकि सुगम है। और अहीर में कई बार ये लोग ये भी करते हैं कि अहीर वैरागी इनको मिक्स करके भी बनाया दिया जाता है, जैसे राम तेरी गंगा मैली हो गई उसका टाइटल है, तो वो भी कहीं ना कहीं भैरव में कैसे टच कर रहा है। अब क्योंकि मैं इतनी देर से भैरव आपको सुना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो स्वरूप घूम रहा है, तो अब मैं अगर वो गीत गाऊंगा तो कनेक्ट करेगा आपको। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मैली। अब यहाँ कोमल निषाद लगाया है ना, लेकिन तब भी वो हो गई पापियों के पाप धोते, है ना, थोड़ा क्योंकि सुगम है तो चेंज करेंगे ही उसमें, ठीक है। और अगर आप सुने तो जो बहुत फेमस गाना है वो अलबेला सजन आयोरी, क्योंकि ये ख्याल अंग से भी गाया गया इसे, वो वैरागी उसमें अहीर भैरव में, गम बदानी धा भमा गम रे सा अलबेला सजन आयोरी मोरा हदवर सो खर पायो रे अलबेला चोक पुराओ मंगल गाओ मनरननर आयो रे अलबेला सजन आयो रे, है ना, ये भी उसी अंग में है। फिर आप जाते हैं, बहुत फेमस गाना है जो अहीर भैरव का है, पूछो न कैसे मन रैन बेताई, रैन मतलब रात, तो रात बीत चुकी है उसके बाद का गाना है कि पूछो मत मुझसे कि मैंने रात कैसे बिताई है। तो ये कब का समय है, अहीर भैरव का समय है। तो ये होता है जब आप राग जानते हो, उनका समय उनका स्वरूप जानते हो, तो आप गीत अच्छे से बना सकते हो, समझ सकते हो। पूछो न कैसे मैंने रैन बेताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आई, है ना, इत जल दीपक उत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, डर 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 वही स्वरूप जा रहा है ना। इसमें कहीं भी खमाज का स्वरूप ही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया थाट रखने का रीजन क्या होता है, चलन, तो इसमें कहीं खमाज आ ही नहीं रहा। आप कह रहे हो सिर्फ नी कोमल लग गया तो खमाज रख दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल ही नहीं है ये, है ना। तो ये तो हो गए कुछ आपके गीत फिल्मी गाने। जैसे एक थोड़ा सा लेटेस्ट कहूँ, मतलब लेटेस्ट यानी अभी का नहीं, पर ये जो मैंने गीत बताए इनके हिसाब से अगर लेटेस्ट की बात करूँ तो आपने वो सुना होगा, जोगिया लगन 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 लग गई है दिन दरा ना 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 हो, जो सुखविंदर सिंह जी का गाना है, वो सारे मा पानी सारे नी रे सा नी पा मा रे, वैरागी भैरव, रे मा पानी मा पा रे नी सा, क्यों, जोग लगन ये सब वैराग्य से रिलेटेड के शब्द हैं। मेडिटेशन, किससे जोग, किससे लगन लगी, ऊपर वाले से, तो वो जो आध्यात्म का रिलेशन है इसका, इसीलिए वैरागी भैरव का इसमें चयन किया गया है ना।
अब हम कुछ गज़लों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि गज़ल एक ऐसा सुगम अंग है, उपशास्त्रीय थोड़ा बहुत कह सकते हैं उसको, ऐसा अंग है कि जिसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ की जाती है स्वरूप से। तो ग़ुलाम अली जी की कुछ गज़लें हैं जिनकी अगर मैं बात करूं, एक चीज़ आपको मैं ये समझा दूं, सुगम में जो बदलाव होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मूर्छना एक चीज़ होती है जिससे कि रागें बदलती हैं, उस ही राग के किसी दूसरे स्वर से वही स्वर लगाते हुए, उस स्वर को सा मानते हुए अगर लगाओ तो राग बदल जाती है, थाट बदल जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं अहीर भैरव, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग म रे सा, रेनी कोमल है, इसके मध्यम को अगर षड्ज मान लो यानी सा मान लो और वहां से यही स्वर लगाओ तो चारुकेशी एक राग है उसका स्वरूप बनता है। सा सारे ग म सा ग म ध प ग म रे सा ध नि रे रे ग म ग सा ध नि प ध सा म ग म रे सा। सिर्फ किया क्या है हमने, जो अहीर भैरव का गंधार शुद्ध था उसको कोमल कर दिया, कोमल गंधार कर दिया, तो अहीर भैरव का मध्यम जो है वो सा है, उसके हिसाब से वो कोमल गंधार उसका कोमल नहीं बन गया जो कि चारुकेशी में लगता है। हल्का सा फर्क करके हमने मूर्छना का थोड़ा सा यूज़ किया है। तो इस अंग में ग़ुलाम अली साहब ने बहुत सारी गज़लें बनाई है, उन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे अहमद फराज साहब की एक गज़ल है फिर उसी रह गुजार पर शायद, उनको उन्होंने जो इसकी कंपोजिशन करी कैसे, फिर उसी रह गुजार पर शायद मिल सके हम मगर शायद, है ना। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भैरवी का भी टच वो दे देते हैं कई गजलों में, क्या है मिक्स कर रहे हैं ना तो दे सकते हैं। फिर उसे रह गुजार पर, अब यहाँ राना सागर, ये ग कोमल है ना, लेकिन ये जो कोमल ग है ये मध्यम के हिसाब से सा ध नि रे म ग सा नि ध प, तो उस हिसाब से उन्होंने उस स्वर को भी लगा दिया है। फिर उसे रह गुजार पर शायद मिल सके हम मगर शायद, अब इसके शेर में तो साफ उन्होंने चारुकेशी कर दी है, जान पहचान से भी क्या होगा, है ना, निषाद कोमल लगा दिया, जान पहचान से भी क्या होगा फिर भी है दोस्त गौर कर शायद, है ना। ऐसी ही उनकी एक और गजल है, दिलों को तोड़ने वालों तुम्हें किसी से क्या, वो भी ऐसी है, दिलों को तोड़ने वालों तुम्हें किसी से क्या, है ना, शुद्ध ऋषभ लगाया उन्होंने क्योंकि स्वरूप बदलना है उनको, दिलों को तोड़ने वालों, लेकिन आप जब मैं इन सबको गाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज नजर आएगी, दिलों को तोड़ने वालों तुम्हें किसी से क्या, मिलो तो आँख चुरा लो, है ना, ये यहाँ पे पूरा चारुकेशी में चले गए, मिलो तो आँख चुरा लो तुम्हें किसी से क्या, दिलों को तोड़ने वालों तुम्हें किसी से क्या, हमारी लग्ज़िश है पाका, यहाँ चारुकेशी जा रही है, साधनी रे माग हमारी लग्ज़िश है पाका, ख्याल क्यों हो तुम्हें तुम अपनी चाल संभालो तुम्हें किसी से क्या, दिलों को तोड़ने वालों तुम्हें किसी से क्या। अहीर भैरव और चारुकेशी के मिश्रण में इन्होंने और भी काफ़ी रागें बनाई हैं, जैसे कि आप देखेंगे, हम कहाँ और तुम कहाँ जाना, हम कहाँ और तुम कहाँ जाना, है ना, ये जो है वैरागी अंग भी है थोड़ा सा, रे मा पा मा रे सा नि ध प रे ध, लेकिन शुद्ध ध भी लगाया है ना, और थोड़ी बहुत चारुकेशी मिलाई है। फिर है वो दे रहा है दिलासे, ये भी उन्हीं की एक गज़ल है। फिर है गम दिल किसी से छुपाना पड़ेगा, गम दिल किसी से
छुपाना पड़ेगा, घड़ी दो घड़ी मुस्कुराना पड़ेगा, है ना कोमल? ये हम देख रहे हैं कोमल गंधार लगाया, आप सोच रहे भैरवी है लेकिन नहीं, मध्यम के हिसाब से क्योंकि चारुकेशी है तो इसीलिए वो कोमल गंधार नहीं, वो कोमल निषाद है एक्चुअली में, ठीक है। फिर है चुप है दीवार की तरह साए, चुप है दीवार की तरह साए, है ना, ये भी उसी में है। फिर आते हैं हम मेहदी साहब की है लागी रे लगन, ये करके गीत है, वैसे थोड़ा सा गीत अंग में है, ठुमरी अंग भी है थोड़ा बहुत वो है। जगजीत साहब की देखें तो मंजिल न दे, ये भी वैरागी में कोमल धैवत लगाया उन्होंने, सारे मा पा दा दा पा मा पा दा नी दा पा मा गा मा रे सा गा मा पा नी सा रे नी सा दा पा, थोड़ी भैरवी भी डाल दी है ना। फिर है क्या भला क्या है बुरा, ये भी उन्हीं की है ना। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ गीत हैं, कुछ गज़ल्स हैं जो आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं वो रागे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि अहीर वैरागी भैरव इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, और इसमें जो गीत गज़ल अगर भजन या जो ख्याल बनते हैं वो किस स्वरूप में बनते हैं, ठीक है।